स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर पर। दोस्तों हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि ट्विंस या जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक क्या होता है तथा कैसे एक महिला एक साथ में 8 से 9 बच्चों को जन्म दे सकती है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में यह तो जान लिया था कि बच्चा 1 से 9 मंथ के बीच में माँ के भ्रूण में कैसे बनता है, किन किन स्टेज से गुजरता है हमने ये जान लिया था तथा ये भी जाना था कि किस तरह एक स्पर्म तथा एक एग के मिलने से एक बच्चा बनता है। लेकिन रुकिए मेरे दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं जुड़वा बच्चे या जिन्हें ट्विंस भी कहते हैं वो कैसे होते हैं? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों अगर एक स्पर्म से एक बच्चा होता है तो क्या दो बच्चों के लिए 2 स्पर्म की ज़रूरत होती है? लेकिन हमने पिछले वीडियो में तो ये जाना था कि एक स्पर्म के एक के संपर्क में आते ही एक की लेयर तो बंद हो जाती है, तो फिर कैसे ट्विंस का निर्माण होता है? दोस्तों विज्ञान की भाषा में जुड़वा बच्चे 2 टाइप के होते हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल, जिन्हें कि दोस्तों मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक भी कहते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि औरत के शरीर में एक अंडा होता है, जब इसके संपर्क में एक स्पर्म आता है तो यह फर्टिलाइज होकर के एक एम्ब्रियो या भ्रूण बनाता है। लेकिन कई बार दोस्तों इस फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान दो एम्ब्रियो बन जाते हैं। चूँकि ये एक ही अंडे से बने थे तो इनकी प्लेसेंटा भी एक ही होती है, जिससे दोस्तों या तो 2 लड़के या फिर 2 लड़कियाँ होती है जो कि हूबहू एक जैसे दिखाई देते हैं। इनके फिंगरप्रिंट को छोड़कर दोस्तों बाकी पूरा शरीर DNA RNA तथा पूरा बॉडी पार्ट सेम होते हैं। इन बच्चों को मोनोजाइगोटिक बच्चे कहते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों औरत के शरीर में 2 अंडे प्रोड्यूस होते हैं तथा इनका फर्टिलाइजेशन भी 2 अलग अलग स्पर्म से होता है तथा 2 एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इन दोनों के पास अपनी अपनी प्लेसेंटा होती है तथा ये बच्चे अलग अलग होते हैं। सिर्फ ये एक ही टाइम पर जन्मे 2 बच्चे होते हैं, लेकिन बाकी इनके सारे बॉडी पार्ट अलग अलग होते हैं। इन्हें दोस्तों डाइजाइगोटिक कहते हैं। दोस्तों मोनो का मतलब एक अर्थात एक अंडा तथा एक स्पर्म तथा डाई का मतलब 2 अर्थात 2 अंडे तथा 2 स्पर्म होते हैं। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार हर 40 में से एक जुड़वा बच्चा पूरे विश्व में पैदा होता है। इसमें 1/3 दोस्तों मोनोजाइगोटिक तथा 2/3 डाइजाइगोटिक होते हैं। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार पिछले 2 दशकों से जुड़वा बच्चे होना आम बात हो गया है, क्योंकि एक तो पहले की तुलना में औरतें देर से मां बन रही है तथा दूसरा IVF, जिसमें कि दोस्तों एक साथ 2 अंडों को फर्टिलाइज कर दिया जाता है जिससे कि दोस्तों जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन जुड़वा बच्चों में कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता है, अर्थात ऐसा नहीं होता है कि एक को थप्पड़ मारे तो दूसरे को भी दर्द होगा, यह सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों आपने कई बार ये तो सुना होगा कि एक साथ किसी औरत के 7 बच्चे 8 बच्चे या फिर 9 बच्चे हुए, तो वो कैसे संभव है? आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अभी तक 8 बच्चे और 9 बच्चे को तो जन्म दिया जा चुका है, किंतु 9 बच्चों को तो अभी 2 महीने पहले ही 3 जून को मोरक्को शहर की एक महिला ने जन्म दिया था, जिनमें दोस्तों 5 लड़कियां तथा 4 लड़के थे। तो दोस्तों यह कैसे पॉसिबल हुआ? दोस्तों यह सिर्फ तभी पॉसिबल है जब या तो एक एक कई एम्ब्रियो में बदल जाता है 3 बच्चे तक ऐसा पॉसिबल है, या फिर दोस्तों महिला के शरीर में एक बार में कई सारे एक बन जाते हैं तथा वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं। 35 की उम्र के बाद दोस्तों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि शरीर तब मेनोपॉज की अवस्था की ओर जा रहा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक महीने में या तो बिल्कुल अंडे प्रोड्यूस नहीं हुए हो तथा किसी दूसरे महीने में 1 से अधिक अंडे प्रोड्यूस हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तब देखा जाता है जब महिला अपनी फर्टिलिटी ट्रांसफर करवाती है। ऐसे में दोस्तों या तो दबा देकर बहुत सारे अंडे बनाए जाते हैं, या फिर दोस्तों IVF से कई सारे अंडों को फर्टिलाइज किया जा रहा होता है। दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है कि अगर फर्टिलाइजेशन का तरीका वही है तो फिर यह कैसे डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की? आमतौर पर 1 महीने बाद प्रेगनेंसी का एहसास होने लगता है, तब तक भ्रूण बन चुका होता है जिसका आकार दोस्तों 6 मिलीमीटर अर्थात मटर के दाने से भी छोटा होता है, पर फिर भी गर्दन और हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन लिंग का निर्धारण 2 से 3 महीने के बीच में होता है। इस दौरान अगर भ्रूण के XX क्रोमोसोम डेवलप
डेवलप करते हैं तो लड़की होगी तथा अगर एक्स वाई क्रोमोसोम डेवलप करते हैं तो लड़का होगा। लेकिन यह दोस्तों इतना भी आसान नहीं है, इसमें जीन और हार्मोन की खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोडियोल की खास भूमिका होती है। छठे से सातवें हफ्ते के बीच एम्ब्रियो 1 सेंटीमीटर अर्थात मटर के दाने के बराबर हो जाता है। इस दौरान रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का विकास हो जाता है। शुरुआत में तो ये ग्लैंड लड़के तथा लड़की में एक जैसी होती है। इस ग्लैंड में टेस्टिस बन सकते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करती है। इसी के कारण लड़के के लिंग का विकास होता है। 9th वीक में लिंग का बनना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि भ्रूण ओवरी में बदल जाए तथा एंट्रोडियोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब तथा यूट्रस और फिर लेबिया तथा वेजाइना बनती है। दोस्तों जिन देशों में लिंग जांचने की इजाज़त होती है उन देशों में 12वें से 14वें सप्ताह में लिंग जांच किया जा सकता है। एम्ब्रियो में लगातार इस तरह के बदलाव से लड़का भी हो सकता है तथा लड़की भी, जो कि शरीर के जीन और हार्मोन के सीक्रेशन पर डिपेंड करता है। लिंग निर्धारण की प्रोसेस ठीक से न होने पर ऐसा भी पॉसिबल है कि दोस्तों XX क्रोमोसोम होने के बावजूद भी लिंग का विकास हो जाए। ऐसे में बच्चे में लड़के तथा लड़की दोनों के गुण आ सकते हैं जिसे दोस्तों इंटरसेक्स कहते हैं। दोस्तों जेंडर और सेक्सुअलिटी में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्स तथा एसेक्स आदि। इन सब में क्या डिफरेंस है इस पर भी अगर आप कमेंट करें तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।